नारी निंदा न करो नारी रतन की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सभी ये सोच रहे होंगे सर ने आते आते कबीर की इस वाणी से अपनी शुरुआत क्यों किया, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की कहावत कही जाती है और कबीर की ऐसी वाणी का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर आप ध्यान दो दोस्तों, तो अभी आने वाले एक महीने में हम लोग नवरात्रि मनाने वाले हैं। उस नवरात्रि के अंतर्गत हम लोग कन्या पूजन करते हैं। तो मेरा यहाँ पर जो पूरा टारगेट है, आप लोगों को बात समझ में आ चुका होगा कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ, मेरा आज का टॉपिक क्या है। तो मेरा टॉपिक ये दोस्तों कि अभी रिसेंट में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन वुमेन और यूएन डेसा के द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जो कि बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। यहाँ पर उसने साफ साफ कहा, ध्यान दीजिएगा, इस रिपोर्ट के अंतर्गत लिखा गया कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, अगर हम अभी कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ना करें, कुछ निवेश ना करें, और जिस गति से जेंडर इक्वलिटी को लेकर हम कार्य कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो SDG के 5 टारगेट के अंतर्गत है। जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता का एक टॉपिक वहाँ पर दिया गया, ठीक है। अभी हम जेंडर इक्वलिटी और इसके अलावा SDG के अंदर जितने भी अन्य टॉपिक है उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसकी लिंक आप लोगों को आज या कल में मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज हमारा टॉपिक है जेंडर इक्वलिटी। तो यूनाइटेड नेशन अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत कहा कि आने वाले 300 वर्षों में जाकर के हम जेंडर इक्वलिटी के अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि जो टारगेट हमको 2030 तक पूरा करना है SDG के 5 टारगेट के अंतर्गत, उसको पूरा करने में अभी 300 वर्षों का समय लगेगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये मैं अपने मन से बातें नहीं कह रहा हूं, ये बातें यूएन रिपोर्ट के अंतर्गत कही गई है। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन वुमेन और यूएन डेसा के द्वारा यहां पर जारी किया गया था, ठीक है। इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स हैं, उनको यहां पर एक बार आप लोग देखिएगा और फाइंडिंग को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। फाइंडिंग कहती क्या है? कहती है कि मोस्ट वल्नरेबल अफेक्टेड, मतलब क्या कह रहा है कि अभी जो सबसे ज्यादा सुभेद्य है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित यहां पर होंगे। कह रहा है कि 140 साल लगेगा किस चीज में? तो काम पर, वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर समानता लाने में, ठीक है। अगर कार्यस्थल पर आप समानता चाहते हो तो उसमें अभी यहां पर 140 वर्ष लगेगा। इसके अलावा क्या कह रहा है? कह रहा है कि 40 वर्ष अभी लगेगा इस चीज को नेशनल पार्लियामेंट्स के अंतर्गत होने में, ठीक है। जो राष्ट्रीय संसद होती है उसके अंतर्गत अर्थात राजनीतिक लेवल पर जेंडर इक्वेलिटी आने में अभी 40 वर्षों का यहां पर समय लगेगा। भारत में भी क्या है, महिला आरक्षण का जो बिल है वो बहुत लंबे समय से अटका पड़ा हुआ है, ठीक है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ केस यहां पर शुरुआत किया है सुनने को, लेकिन बातों को आप समझिए। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स देती है अपनी जो कि बहुत ही ज्यादा विचारणीय है। मतलब इस पर सोचने की आवश्यकता है कि हम किस दिशा में कार्य कर रहे हैं और हम जेंडर इक्वलिटी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले 140 वर्षों में हम कार्यस्थल पर समानता को प्राप्त करेंगे और आने वाले 40 वर्षों में हम राजनीतिक लेवल पर समानता को प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि टोटल जेंडर इक्वलिटी आने में यहां पर 300 वर्षों का समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर साफ साफ लिखा कि नियरली 300 ईयर का यहां पर समय लगेगा टोटल जेंडर इक्वलिटी आने में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहां पर ध्यान दो दोस्तों, तो यहां पर कुछ फाइंडिंग्स और है। कह रहा है कि अगर इसी हिसाब से चाइल्ड मैरिज को हम रोकते रहे तो जो हमको 2030 तक चाइल्ड मैरिज को समाप्त करना है उसको समाप्त करने के लिए हमको 17 गुना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। ठीक है, विल हैव टू 17 टाइम फास्टर यहां पर वर्क करना पड़ेगा अगर हमको चाइल्ड मैरिज यहां पर समाप्त करना है जिस गति से हम अभी वर्क कर रहे हैं। ये बात यहां पर आप लोग समझना, और ये बातें SDG का जो रिपोर्ट है ये बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कहता है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट्स को आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। इसके जो फाइंडिंग्स है उसका प्रयोग आप लोग अपने आंसर राइटिंग के अंतर्गत कर सकते हो, और आंसर राइटिंग में ध्यान देना दोस्तों। देखिए, हम लोग यहां पर जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एक तो ये सच्चाई है भाई, ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट समाज की, सोसाइटी की और वर्ल्ड के जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं ना, हम विकास की बात करते हैं, विकसित होने की बात करते हैं, उसका एक ऐसा नमूना है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिस पर पूरे देश को, पूरी दुनिया को सोचने की यहां पर आवश्यकता, ठीक है। कि जेंडर इक्वलिटी को प्राप्त करने में भी 300 वर्षों का समय लगेगा। आप सभी का इस संदर्भ में क्या ओपिनियन है, अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आने वाली क्लासेस में हम लोग SDG पर प्रॉपर डिस्कस करेंगे। SDG क्या है, SDG का प्रयोग मेंस में, प्रीलिम्स में कैसे किया सकता है, इसकी क्लास आप लोगों को कल मिलेगी, ठीक है। आज आप लोग इस क्लास को देखो और कमेंट सेक्शन में अपना व्यू यहां पर कमेंट करें, ठीक है। तब तक ले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।